हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। तो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था NSUT या ऐसा कह ले NSIT कॉलेज के बारे में या यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसके अंदर आपको MSc के अंदर एडमिशन मिलेगा CUET PG एग्जाम के थ्रू। इसी तरह से मैंने DTU के ऊपर यानी कि दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के ऊपर भी ये एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर आपको MSc कोर्सेज के अंदर एडमिशन मिल सकता है CUET PG के थ्रू। ये दोनों ही यूनिवर्सिटीज पहली बार CUET के अंदर आई हैं। इसके पहले यानी कि लास्ट ईयर तक ये दोनों ही यूनिवर्सिटी अपने अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराती थी। तो अब सवाल ये है, कई बच्चों का क्वेश्चन ये था कि सर अगर हमें NSUT मिल रहा है या NSIT मिल रहा है और DTU मिल रहा है तो दोनों में से कौन से कॉलेज को हम प्रेफर करें, क्या हम DTU में जाएं या NSUT में जाएं। तो इसी चीज को कंसीडर करते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूं जिसमें कुछ पॉइंट्स को लेकर मैं इन दोनों कॉलेजेस को कंपेयर कर रहा हूं और फिर उसके बेस पर आप लोग आइडिया लगा सकते हैं, आप ये डिसीजन तक पहुंच सकते हैं कि आपको अगर इन दोनों कॉलेजेस में से कोई कॉलेज अलॉट होता है तो आपको किस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने चाहिए, कौन से कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेने चाहिए। तो सबसे पहला जो कंपैरिजन का पॉइंट है हमारा वो है रैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर ओवरऑल रैंकिंग की बात करूं DTU की रैंकिंग की मैं बात करता हूं तो टॉप 200 यूनिवर्सिटीज जो है इंडिया में उनमें से 40 पे ये लाई करता है, चाहे वो BTech कोर्सेज हो, चाहे वो PG कोर्सेज हो, चाहे वो MTech कोर्सेज हो, कोई से भी कोर्सेज हो। यूनिवर्सिटी है तो इसके अंदर इंजीनियरिंग भी चलता है, इसके अंदर साइंस के कोर्स भी चलते हैं, इसके अंदर आपके जो MTech के कोर्स भी हैं, PhD भी हैं, तो सभी कोर्सेज के अंदर ये 40 पे है। और इवन इंजीनियरिंग की बात करें तो वहाँ पर ये टॉप 10 में टॉप 15 में भी आता है। ओवरऑल रैंकिंग की बात करूं तो 40 है। न्यू दिल्ली के अंदर यानी कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि IIIT भी हो गया, NIT दिल्ली भी हो गया और IIT दिल्ली भी हो गया, है ना। उसके अलावा जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो भी हो गए और इंदिरा गांधी टेक्निकल जो टेरी जो यूनिवर्सिटी है वो भी हो गई। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज हैं टॉप ग्रेड हैं, जैसे JNU भी हो गया। तो सभी में कंसीडर करते हुए जो न्यू दिल्ली के अंदर है इसकी जो रैंक लगती है वो 7 और NCR के अंदर रैंक आती है 7। ये जो यूनिवर्सिटी है जो कि पहले कॉलेज था एक, ये रोहिणी में पड़ता है जो कि दिल्ली के लगभग बाहर पड़ता है, तो ये इसका एक माइनस पॉइंट भी कह सकते हैं जिसकी वजह से इसका जो जो कैंपस है वो थोड़ा सा स्मॉल हो जाता है, परंतु बहुत तगड़ा कैंपस है ना। मतलब आप अभी फिलहाल जिन कॉलेजेस में पढ़ते होंगे ज़्यादातर लोग, तो उनसे तो बहुत ही खतरनाक कैंपस है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी, क्लासरूम्स जितने भी हैं वो वेल इक्विप्ड हैं, AC नॉन AC दोनों तरह के क्लासरूम है, फुल्ली फर्निश्ड क्लासरूम है, एयर कंडीशनर है, कुछ एयर कूल्ड है और स्मार्ट क्लासेस है उनके अंदर, जो एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन के अंदर होनी चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। इसी तरह से मैं NSUT की बात करूं तो इसकी रैंकिंग इसके कंपैरिजन में थोड़ी कम है। 2022 के अंदर इसकी रैंकिंग 130 थी NSUT की, जो कि अभी 100 के आसपास या 110 के आसपास होगी, तो रैंकिंग के मामले में थोड़ा सा पीछे है। परंतु अगर क्लासरूम फैसिलिटी फुल्ली फर्निश्ड है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ मैं तो उनसे उसमें कहीं भी ये पीछे नहीं अड़ता है DTU के कंपैरिजन में। ओवरऑल अगर रैंकिंग की बात करूँ तो उसमें थोड़ा सा पीछे है। यहाँ पर ये 7 लिखा हुआ है, 7 नहीं है, ये पीछे जाता है, 9 या 10 नंबर पर आता है, यहाँ पर भी ये 9 या 10 नंबर पर आता है, ठीक है। ये जो इंस्टीट्यूट है ये पड़ेगा द्वारका में, इसके दो कैंपस है, एक ईस्ट कैंपस और एक है वेस्ट कैंपस, है ना। क्योंकि इतना दिल्ली में इतना सारा एरिया एक साथ अवेलेबल नहीं हो सकता, इसलिए इसके दो कैंपस बनाए हुए हैं, एक ईस्ट कैंपस है, एक वेस्ट कैंपस है। कुछ क्लासेस ईस्ट कैंपस में लगती है, कुछ क्लासेस वेस्ट कैंपस में लगती है। दोनों कैंपस पास नहीं है, अच्छी खासी दूरी है दोनों के बीच में। लाइक आप ऐसे समझ सकते हो DU का नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस, तो उस तरह से दूरियां हैं दोनों में। पर ओवरऑल बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्लासरूम्स फैसिलिटीज़ वगैरह दोनों की बहुत बढ़िया है। हाँ, रैंकिंग DTU की ऑब्वियसली बात है बहुत ऊपर है, किसके कंपैरिजन में, NSUT के कंपैरिजन में, ठीक है। ओवरऑल रैंकिंग की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो पॉइंट है डिस्कशन का वो है MSc कोर्स कौन कौन से ऑफर होते हैं या फिर क्या सीट्स हैं। तो DTU के अंदर 4 MSc कोर्स आपको ऑफर होते हैं, एक होता है MSc फिजिक्स, एक होता है MSc केमिस्ट्री, MSc मैथमेटिक्स, MSc बायोटेक्नोलॉजी, सभी में नंबर ऑफ सीट्स जो है 60 है। जबकि अगर NSUT में बात करूं तो NSUT के अंदर आपको केवल 3 MSc कोर्स ऑफर होंगे, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, और इन तीनों के अंदर भी 60 सीट्स हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, 55% फॉर जनरल EWS OBC, 5% रिलैक्सेशन है SC ST को, और सेम कहानी दोनों कॉलेजेस में सेम है। फीस की अगर मैं बात करूं तो दो साल की जो फीस है वो 78,000 से और 80,000 रुपये तक पड़ेगी, सेम कहानी NSUT में है, दोनों की जो फीस है वो लगभग सेम है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ डिफरेंस मेरे को देखने को नहीं मिला है, दोनों लगभग सेम है। अगर
कोर्सेज की बात की जाए और नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए। फिर अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फैकल्टी एंड स्टाफ की, तो डीटीयू के अंदर जो टीचर्स हैं वो सपोर्टिव हैं, प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं और जितनी भी फैसिलिटी उनसे हो सकती है वो सभी प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट्स को। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्टेट के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं स्टेट यानी कि दिल्ली स्टेट की, उनमें बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। और कुछ फैकल्टीज सीधी सी बात है हर जगह अच्छी नहीं होती है, बट ओवरऑल देखा जाए तो फैकल्टीज अच्छी हैं। इसी तरह से अगर एनएससीटी की बात भी की जाए तो यहाँ पर भी टीचर्स जो हैं वो सपोर्टिव हैं, प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं और जो जो कुछ फैकल्टीज सेम कहानी यहाँ पर भी अच्छी नहीं है पर ओवरऑल अच्छी है। तो दोनों ही बहुत ही टॉप क्लास इंस्टीट्यूट है, तो फैकल्टी के मामले में तो किसी तरह से पीछे होने वाले नहीं है। यानी कि ये दो पॉइंट्स जो हैं जिनमें नंबर ऑफ सीट्स, कोर्स फीस और फैकल्टीज, इवन लैब्स वगैरह के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर मामले में, तो दोनों लगभग मेरे को बराबर खड़े हुए दिखाई देते हैं। हाँ, रैंकिंग के मामले में डीटीयू बहुत आगे चला जाता है किसके कंपैरिजन में, एनएसयूटी के कंपैरिजन में। फिर अगर मैं बात कर लेता हूँ हॉस्टल, तो नंबर ऑफ हॉस्टल्स जो है डीटीयू में वो बॉयज़ हॉस्टल हैं 11, जबकि एनएसयूटी के अंदर 4 हैं, गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। सभी तरह के जो हॉस्टल्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होंगे, एसी, नॉन एसी, आपको किस में रहना है, सिंगल सीटर एसी, डबल सीटर एसी, ट्रिपल सीटर एसी, वो सब तरह के यहाँ पर रूम्स अवेलेबल होंगे। हॉस्टल फीस इंक्लूडिंग मैस चार्ज जो आपको पड़ेगी एक साल की, वो 60,000 से लेकर 72,000 रुपये तक डीटीयू की जो कि, और जबकि एनएसयूटी की बात करूँ तो वो लगभग 50,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन है, 15-20,000 रुपये का डीटीयू थोड़ा महंगा पड़ेगा हॉस्टल और मैस के मामले में, जबकि जो एनएसयूटी है वो इन कंपैरिजन टू डीटीयू थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंटली मैं ये बता दूँ कि ये जो हॉस्टल फैसिलिटी है ये अभी मेरे को क्लियर नहीं है कि ये जो एमएससी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अवेलेबल है या नहीं है, है ना। ये जो हॉस्टल फैसिलिटी है दोनों में ही, ये सबसे पहले प्रेफर किए जाते हैं बीटेक स्टूडेंट्स को, उसके बाद एमटेक स्टूडेंट्स को, उसके बाद सीट्स खाली बचती है तो ये किसको दिए जाते हैं, ये बाकी के जो कोर्सेज हैं उन स्टूडेंट्स को अवेलेबल कराए जाते हैं। ना वो डिपेंड करता है सीट कितनी वैकेंट रहती है। डीटीयू के अंदर जितने हॉस्टल हैं उसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 2600, जबकि अगर मैं एनएसयूटी के हॉस्टल्स की बात करूं तो यहां पर लगभग 700 से 800 स्टूडेंट्स के रहने का अरेंजमेंट है। तो यहां पर सभी स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिल जाए वो मतलब जरूरी नहीं है। यहां पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को बाहर रहना पड़ता है एनएसयूटी के अंदर, यहां पर पॉसिबिलिटी है क्योंकि नंबर ऑफ जो सीट्स है वो बहुत ज़्यादा है तो मिल जाए, परंतु फिर भी मैं ये कहूँगा कि पीजी जो अदर कोर्सेज में बीटेक, एमटेक, पीएचडी के अलावा कुछ अदर कोर्सेज में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी केवल और केवल तभी है जब ये सीट्स खाली रह जाती है। तो हॉस्टल आपको मिले ये कंफर्म नहीं है और बाहर रहना दिल्ली में थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। आगे बात करें कैंपस लाइफ की, तो कैंपस लाइफ दोनों की ही एकदम मज़ेदार है। मज़ेदार कैसे है, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज है तो दोनों में ही फेस्ट चलते रहते हैं, हर दूसरे तीसरे महीने में कुछ ना कुछ फेस्ट होता रहता है। हर टाइप के स्पोर्ट्स फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है, सभी तरह के स्पोर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है, चाहे वो क्रिकेट ग्राउंड हो चाहे कुछ भी हो। अगर कोई हॉस्टलर है तो हॉस्टल की लाइफ तो मज़ेदार होती है, आप लोगों ने अभी भी जी होगी काफ़ी लोगों ने। और यहाँ पर तो जब बहुत सारे इस तरह के इंस्टीट्यूट्स में आप जाते हैं तो फिर आपको पता ही है क्या हॉस्टल लाइफ होती है, बहुत सारे क्लब्स वगैरह चलते रहते हैं जिनमें एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। तो ये दोनों चीज़ों पर दोनों लगभग सेम खड़े हुए मैं पाता हूँ, है ना। तो अभी तक जो मेनली डिफरेंस मेरे को दिख रहा है वो एक तो रैंकिंग का दिख रहा है, दूसरा हॉस्टल का मेरे को दिख रहा है। अगर हॉस्टल मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो वो डीटीयू में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू एनएसयूआईटी या एनएसआईटी। अब मैं बात कर लूँ कि अगर आप 2023 सीयूईटी पीजी की काउंसलिंग के थ्रू ये कॉलेज दोनों लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम क्या सेफ स्कोर रखना पड़ेगा। तो अगर मैं एमएससी फिजिक्स के लिए बात करूँ और मैं केमिस्ट्री के लिए, मैथ के लिए, है ना, तीनों कोर्सेज के लिए बात करूं और बायोटेक, यहां तो बायोटेक है और यहां कौन कौन से हैं, यहां है फिजिक्स, यहां है केमिस्ट्री और यहां है मैथ, और हमारे पास कौन कौन से कैटेगरी है, जनरल है, ओबीसी एनसीएल है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, एससी और एसटी एसटी। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो ये जो कॉलेज है क्योंकि फीस वगैरह में थोड़ा सा महंगा पड़ता है तो हो सकता है कि ना प्रेफर भी करें स्टूडेंट्स, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जनरल में आपको 195 प्लस पे आ जाना चाहिए। ओबीसी एनसीएल की बात करूँ तो मैं 185 प्लस के आसपास ये आना चाहिए आपको, और एससी एससी की पहले मैं बात कर लूँ तो एससी की अगर मैं बात करूँ तो एससी के अंदर हमारे पास ये जो कॉलेज है करीबन 140 प्लस पे आ जाए, और एसटी
के केस में ये 100+ के आसपास हमें मिल जाना चाहिए। एनएसयूटी के अंदर जो रैंकिंग का है उसके चक्कर में हो सकता है कि स्टूडेंट ना ले, परंतु दिल्ली में ये इंस्टीट्यूट है और दिल्ली हर किसी का एक फेवरेट सिटी है पढ़ने के लिए, ड्रीम होता है कि मैं दिल्ली में जाकर पढ़ूं, तो इतना ज़्यादा भी मेरे को नहीं लगता कि डिफरेंस आएगा नंबर्स में। फिर भी अगर डीटीयू के कंपैरिजन में बात की जाए तो एनएसयूटी जो आपको मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए लगभग 185+ जनरल में। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ, ओबीसी एनसीएल की, तो ये आपको आना चाहिए करीबन 178+ पे। एससी की अगर मैं बात करूँ तो एससी के केस में ये 130 नंबर पर, और अगर एसटी की मैं बात करूँ तो ये 90+ नंबर पे आपको मिलना चाहिए। तीनों ब्रांचेस के लिए मैंने लगभग ये सेम स्कोर प्रेडिक्ट किया है, इतने स्कोर पर आपको ये कॉलेजेस मिल जाने चाहिए सीयूईटी पीजी काउंसलिंग के अंदर, है ना। तो होपफुली ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जब आप सीयूईटी पीजी की काउंसलिंग में जाएंगे। तो और भी मैं वीडियो कर चुका हूं ऑलरेडी जिसमें आपको ये बता चुका हूं कि डीयू के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, बीबीएयू के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ है, सीयू राजस्थान के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ है, और धीरे धीरे और भी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर मेरे वीडियोज़ आते रहेंगे। तो अभी तक भी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप सीयूईटी पीजी एस्पिरेंट हैं तो ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए आपको प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप तक अपडेट पहुंचे उसके लिए आपको बेल आइकन तो प्रेस करना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ये बात कर रहे होंगे कि अगर आपको डीयू मिलता है और डीटीयू मिलता है तो आपको कौन सा लेना चाहिए दोनों के अंदर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।